नमस्कार। आज हम यहाँ पे मॉड्यूल डेवलपिंग पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ फॉर क्रिएटिंग अ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में समझने और जानकारी देने के लिए अपने पैनल के साथ आए हैं। मैं हूँ डॉक्टर रुचि शुक्ला और मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सुष्मिता चक्रवर्ती। नमस्कार। मिस सलोनी अरोरा। वेलकम। वी आर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। और हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ किस तरीके से हमें एक हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद कर सकती हैं। इस मुहिम में मैं डॉक्टर सुष्मिता चक्रवर्ती से कुछ पूछना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में लाने की कोशिश करें तो हमको ये आजकल न्यूज़पेपर से और वेरियस अगर रिसर्च आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो करंट सिनेरियो है उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो कई मेंटल इलनेसेस, मेंटल प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, जैसे कि डिप्रेशन देखा गया है बच्चों में सेल्फ हार्म देखा गया है, अब्यूज़ देखा गया है। इन सब के चलते बच्चों को कहीं पे एक नीड है जिससे उनके वो इस चीज़ में सहायता मिले कि वो किस तरीके से अपने पर्सन को सोशल कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से डिवेलप कर पाएँ कि वो ना सिर्फ एक अच्छे छात्र बने बल्कि साथ में वो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बन सके। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि ये पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ अंततः हैं क्या, मैं डॉक्टर चक्रवर्ती से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा समझाइए कि ये पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ क्या हैं और इनकी महत्व क्या है हमारे छात्र जीवन में और टीचर के जीवन में। नमस्कार डॉक्टर शुक्ला। जैसे कि डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि छात्रों में फेलियर्स के सामना लेने का या फिर अपने दैनिक जीवन की छोटी बड़ी चीज़ों में वो बहुत इतना उलझ जा रहे हैं कि कई बच्चे कोप कर नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो कि उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक हो रहा है। तो इस संदर्भ में हमें जानना है कि एज टीचर्स, शिक्षक होने के नाते हम जो छात्रों के साथ इतने घंटे समय बिताते हैं उसमें हम उनको क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभिभावक के रूप में हम जब टीचर्स उनके साथ जुड़े रहते हैं तो उनकी ये छोटी छोटी जिस तरह से वो डील करते हैं वो हमें बहुत दुखी कर देते हैं, वो हमें बहुत परेशान कर देते हैं कि हम किस तरह से उनको मदद करें। तो इस विषय में तो हमें पहले ये समझना बहुत मायने रखता है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना सिर्फ बहुत लंबे समय के लिए स्टूडेंट्स आते हैं बल्कि अगर हम देखें तो जब वो प्रवेश करते हैं तो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे इंसान होते हैं और जब स्कूल के 10-12 साल ख़त्म करके निकलते हैं तो एक लंबे समय के बाद वो इस तरह से निकलते हैं कि एडल्ट लाइफ में वो बिल्कुल एंट्री करने के लिए तैयार हैं। तो इस दौरान में ना तो वो स्कूल में सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते हैं दूसरे डिसिप्लिन के बारे में, उसके साथ साथ एक बहुत अहम जगह है उनके व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में, जो व्यक्तित्व उनकी आगे चल के जीवन में एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान के इंसान होने में जो स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो इंटरपर्सनल स्किल्स की हम बात करते हैं, इन सब में वो एक एक्सपोजर मिलता है। और ये स्किल्स है क्या, ये क्वालिटीज़ है क्या? ये क्वालिटीज़ हैं कि एक दूसरे के प्रति हम कंसर्न्ड हूँ, एक दूसरे को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ्स को हम मोटिवेशन कर सकते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, कोऑपरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सब मिलजुल के काम करते हैं। तो इस तरह की जो हम स्किल्स हमें बाद में दैनिक जीवन की ज़रूरतें होती हैं उसका एक एक्सपोजर हमें स्कूल के इस 10-12 साल में होने लग जाती है। तो यही कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यही है हमारी पर्सनल सोशल स्किल्स जो हमें हेल्प करती हैं आगे चल के हर जीवन की पहलू, एक छात्र के जीवन में नॉट ओनली एकेडमिक पहलू हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी हैं, उनके सोशल लाइफ भी हैं। तो ये तीनों पहलू में एज अ स्टूडेंट हम उन्हें सहायता कर सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारी
डॉक्टर सुष्मिता, अगर मैं अपनी जो रिसेंट मैंने पढ़ा है उस हिसाब से जाएं तो कई जगह मैंने देखा है कि रिसर्च ने भी इस चीज़ को बहुत जिसे कहते हैं ना एसर्टिवली बोला है कि हम अकेडमिक तो कर रहे हैं लेकिन कहीं पे हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कि एजुकेशन का एक गोल समझा जाता है उसमें लैक कर रहे हैं। शायद सलोनी जी भी मुझसे सरोकार करेंगी कि हमारे बच्चे पढ़ के तो निकल रहे हैं, दे आर लिटरेट, लेकिन कहीं पे उनका जो पर्सन है वो फुल फ्लेजेड फ्री और कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जबकि हमने ये देखा है कि कई स्कूल सिस्टम से जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग एक अल्मा माटा का फीलिंग होता है कि जी मैं इस स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, और उसमें ये फीलिंग होता है जी मैं इस टीचर से पढ़ा, आप भी पढ़े थे क्या, वो ऐसे करते थे। सो एक कल्चरल जो होता है कॉमनैलिटी होती है जो एक बॉन्डिंग के रूप में काम करती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पर्सनल सोशल एस्पेक्ट्स हैं जिनको आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो अगर मैं बोलूँ इक्वली इम्पॉर्टेंट है इफ़ नॉट मोर देन अकेडमिक इनपुट्स? बिकॉज मुझे ऐसा कई बार पढ़ के लगा जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं या जो हम लोग एनसीईआरटी में अपने प्रोग्राम्स करते रहते हैं, टीचर से मिलते हैं, कि कहीं पे ये चीज़ थोड़ी सी इग्नोर्ड है, हो रहा है इस पे काम, ऐसा नहीं है। टीचर्स बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग विद द स्टूडेंट्स फॉर सच लॉन्ग आवर्स दे डू दिस, बट कहीं पे ये सेकेंडरी शायद रोल ले लेता है। आई राइट इन सेइंग सो? यस यस। इनफैक्ट व्हाट आई वुड, इट्स वेरी नाइस कि आपने ये मुद्दा उठाया है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे के रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखते हैं कि जब हम लोग भी छात्र थे तो कई बार हमारी सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, मे बी यू नो टेक अप एनी सब्जेक्ट, साइंस पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त उस वक्त क्लास में बैठे हुए हमारे फीलिंग्स, हमारी इमोशंस जो उसके जस्ट तुरंत पहले हुआ है, किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है या उसके पहले पीरियड में पीटी पीरियड में बहुत मन लग रहा था, मन नहीं कर रहा था वापस क्लास में आऊं, तो वो सारे इमोशंस मेरे साथ आए हैं क्लासरूम में जब हम बैठ के पढ़ रहे हैं, या गेम्स पीरियड या योगा पीरियड है और बारिश हो गई और बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, तो बच्चों के चेहरे वाकई उदास हो जाते हैं, उदास होते हैं। तो ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ जो नॉलेज हमें डिसिप्लिन दे रही है उसके बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है हमारी अफेक्टिव यानी कि हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स की जो कॉम्पोनेंट है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लें कि जब हम खुश होते हैं, जब हम किसी चीज़ को बहुत दिल से चाह रहे हैं और वैसी जब हमारी मनोस्थिति होती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं या कुछ सुनने बैठते हैं तो कुछ ज़्यादा हमें कोशिश नहीं करना पड़ता है कंसंट्रेशन लाने के लिए, बहुत आसानी से हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। इसीलिए शायद ये भी बोला जाता है कि यू नो अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करो, बिकॉज बाय दैट टाइम योर इमोशंस आर सेटल्ड, योर बॉडी इज रेस्टेड, योर इन मोर अलर्ट फेज, यस, तो आप ज्यादा शायद इम्बाइब कर पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो। बिल्कुल। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर देखेंगे जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत एंग्शियस है किसी चीज के लिए तो उस वक्त हम लाख कोशिश करें अपने सामने किताब को रखें, जो चीज पढ़ी हुई है वो भी हम कई बार भूल जाते हैं। सो दिस शोज कि कितना हमारी पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस एक बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं हमारी लर्निंग के, लर्निंग को एडवांस करने में, लर्निंग को हेल्प करने में। तो पर इसमें इस समय मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि थोड़ा सा शायद मैं भी समझना चाहूँगी और हमारे टीचर्स भी समझना चाहेंगे कि हम इसकी बात तो कर रहे हैं कि जी पर्सनल सोशल होना चाहिए, लेकिन कई टीचर्स शायद पूछना चाहें कि जी पर्सनल सोशल को स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में उस परिप्रेक्ष्य में कहाँ पे और किस तरीके से हम मिनिमम या लिटिल एफर्ट के साथ बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला। इसमें तो सबसे पहले हम शिक्षकों को, टीचर्स को ये कहना चाहेंगे कि चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, पर्सनल सोशल क्वालिटीज एंड स्किल्स कुछ ऐसी चीज हैं जो हमें अलग से अपने सब्जेक्ट के अलावा उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारी करिकुलम में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारी स्कूल के बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि जहाँ पे हम ये क्वालिटीज़ को डेवलप कर सके, जहाँ पे हम इन क्वालिटीज़ को नर्चर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करिकुलम को अगर हम लेते हैं तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में
चाहे आप मैथमेटिक्स लीजिए, चाहे आप लैंग्वेज लीजिए, चाहे आप सोशल साइंसेस लीजिए, चाहे आप साइंसेस लीजिए, हम हमारी एक्टिविटीज़ जैसे होती है चैप्टर एंड के एक्टिविटीज़ में, देर आर अपॉर्चुनिटीज़ वेयर दीज एक्टिविटीज़ कैन बी डन इन अ ग्रुप. जी, दीज एक्टिविटीज़ कैन बी मेड इन टू अ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी. तो वैन वी पुट इट इन अ ग्रुप सिचुएशन, ऑटोमेटिकली हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं कि यू लर्न द स्किल्स ऑफ कोऑपरेशन, यू लर्न टू वर्क इन अ ग्रुप, यू लर्न टू यू नो टेक डिसीशंस इन अ ग्रुप, ऑल्सो लीडरशिप क्वालिटीज, ऑल्सो लर्निंग टू डील विथ फेलियर, फेसिंग फेलियर एंड देन कमिंग अप ऑन दैट. सो टुगेदर फिर ये जो हम लोग बात कर रहे थे बॉन्डिंग की, है ना, जब हम एक टीम होके काम करते हैं, एक कंपटीशन हो रही है बिटवीन वन ग्रुप एंड अनदर ग्रुप, कौन कितनी जल्दी एक्टिविटी को करते हैं, कौन कितनी जल्दी एक्टिविटी को नॉट ओनली करते हैं बट बखूबी करते हैं, तो इन सब चीजों में एक फन के साथ साथ और भी बहुत सारी क्वालिटीज हम सीख रहे हैं. सिमिलरली हमारे स्कूल्स में आजकल हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज वैसे भी होती है, सेलिब्रेशंस होती हैं, एनुअल डे है, मिड डे मील है, इको क्लब है, म्यूजिक क्लब है, देयर आर सो मेनी यू नो एक्टिविटीज बियॉन्ड द नॉलेज थिंग. वहाँ पे भी व्हेन वी आर वर्किंग वी आर डेवलपिंग नॉट ओनली फैकल्टीज और विच वी डिस्कस्ड नाउ, जैसे कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड एवरीथिंग, बट ऑल्सो थोड़ा बहुत उनकी सेंसिटिविटी towards others, towards the environment, protection of one's own self, protection of others, protection of all life form around you, cleanliness की क्या अहमियत है, ये सारा हम एक system में काम करना, critical thinking की जो ability है कि हम ये choice ना करके वो choice करते हैं, तो तुलना करना और फिर एक right decision लेना, इस तरह की जो skills हैं वो धीरे धीरे उनमें आने लगती हैं. तीसरा एक और जगह है जो थोड़ा बड़े बच्चे जब होने लगते हैं जी. हम अब वोकेशनल एडुकेशन की बात कर रहे हैं और प्री वोकेशनल एडुकेशन अभी हम लोगों का शुरू हो रहा है फ्रॉम क्लास सिक्स ऑनवर्ड्स. जब ये एडुकेशन की एक्सपोजर हम दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स को हम एक वर्क लाइफ के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक वर्क लाइफ में क्या क्वालिटीज आपकी चाहिए, दोज आर दीज क्वालिटीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जैसे कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया, मेडिसिन कर लिया, बट जब वो एक्चुअली फील्ड में जाके काम करना शुरू करते तो कई बार हम हैंडीकैप फील करते हैं बिकॉज प्रोबेबली हम दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आप को असर्टिवली बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, या हम ये किसी को नहीं कन्वे कर पाते कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे ये दे दो. सो ये सारे जो जिसे हम शायद कॉमन लैंग्वेज में बोले प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम करते हैं स्किल बेस्ड लाइफ स्किल्स, उन चीजों पर ये मॉड्यूल हमें मदद करेगा एज टीचर्स, एज स्टूडेंट्स, टू फोकस एंड डिवेलप. एंड कई बार हमने देखा है कि यू नो इन स्मॉल स्कूल इंस्टेंसेस कि कोई बच्चा है वो असेंबली में यू नो सिक फील कर रहा है, तो कई बार बगल के बच्चे पकड़ लेते हैं, मेडिसिन रूम ले जाते हैं. आई थिंक दीज वुड आल्सो क्वालिफाई एज अपॉर्चुनिटीज. केयर, सेंसिटिव, बीइंग केयरफुल, बीइंग कंसर्न्ड अबाउट माय ओन पीयर ग्रुप, मेरे साथी जो हैं, हम उम्र जो हैं, जिनके लिए कंसर्न है. तो इसके थ्रू बच्चों में हम एक यू नो उनको मोटिवेट करके या उनको अप्रिशिएट करके फॉर सच बिहेवियर्स, हम उनमें ये चीज और डेवलप कर सकते हैं जहां भी. और जैसे शायद मैंने अभी एग्जांपल जो दिया था कि बच्चों का पीटी क्लास मिस हो गया, तो बच्चा है इसके कि टीचर क्लास में घुसे और कोई सब्जेक्ट अपना पढ़ाने लगे, उससे बेटर है कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करके कोई इंडोर गेम खिला ले, तो शायद उनके इमोशंस को मैनेज करके इंगेज करना ज्यादा पॉसिबल होगा. ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव, इसी को हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी. सो एज अ टीचर जब मैं उस क्लास में एंटर कर रही हूँ, जब मुझे पता है कि यू नो चिल्ड्रन इस वक्त उनको शायद गेम्स पीरियड में जाना था और बारिश की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी मनोस्थिति को समझ के बिफोर आई स्टार्ट विद मेरी सब्जेक्ट, मे बी मैथ्स फॉर एग्जाम्पल, हम मैथ्स पढ़ाने शुरू करने से पहले अगर दो चार मिनट उनके साथ बिता लें कि कोई एक्टिविटी उनके साथ कर ले, तो उनका भी दिल रहेगा और साथ ही साथ जो मन बाहर चला गया था, भावनाएं जो बाहर चली गई थी, वो अंदर सेंस ऑफ जो लॉस है उसको भी शायद वो कंट्रोल कर लेगा कि ओके ठीक है सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, खेल कर रहे हैं, क्लास में ही कर रहे हैं. जी हाँ, सलोनी जी, सुष्मिता जी, थोड़ा सा अगर आप ये बता पाए कि ये कौन सी क्वालिटीज और स्किल्स होते हैं
जो हमें एज अ टीचर नर्चर करने चाहिए या अपने अंदर ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम ये जो पर्सनल सोशल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं उसको टीचर अपने अंदर भी और स्ट्रॉन्ग करे और अपने बच्चों के अंदर भी, अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी उसको नर्चर कर पाए. बिल्कुल. क्योंकि अगर हम सही कहते हैं तो अक्सर हम ये बोलते हैं कि चीजें बच्चा देख के ज्यादा अच्छी सीखता है बजाय इसके कि वो उसको किताब से पढ़ाई जाए या करके बताई जाए. राइट. तो इस केस में जैसा कि मॉड्यूल भी सजेस्ट करता है कि टीचर इन चीजों को अपने अंदर इम्बाइब करके अपने एक्शंस में करे, तो ऐसे कौन से क्वालिटीज और स्किल्स हैं जिसको टीचर्स यू नो इजीली टैप करके नर्चर करके कन्वे कर सकता है स्टूडेंट्स को? आपने बहुत सही कहा डॉक्टर शुक्ला. ये वो पहलू हैं जो हम स्टूडेंट्स को शायद बोल के पढ़ा के नहीं सिखा सकते हैं. स्टूडेंट्स अपने आप सीखेंगे जब हमारे सामने वो व्यवहार वो प्रतिक्रियाएं वो देखेंगे. जी. तो बहुत ज़रूरी है कि हम पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ जिनको कह रहे हैं कि हम एज टीचर्स वो खुद हम प्रैक्टिस करें. हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे भावनाएं भी अलाइंड हो इसी तरह, ताकि हमारे बिहेवियर, हमारे रिएक्शंस को बच्चे खुद देखकर ही वो गाइडलाइंस की तरह उनको ले. बेसिकली हम लोग काफी चीजें ऑलरेडी यहाँ लेके आए हैं, थोड़े बहुत हम लोग बोलते जा रहे हैं. सो अगर हम ऐसे अगर लिस्ट कर दें तो शायद और अच्छा लगे. मूलतः तो पर्सनल सोशल क्वालिटीज में जो हम टीचर्स कर सकते हैं कि बीइंग सेंसिटिव, सेंसिटिविटी एंड केयर एक है, जिसपे शायद अगर सलोनी मैडम कुछ बोलना चाहेंगे. जैसे मैं आपसे जितना आपने कहा सेंसिटिविटी के बारे में, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया कि सेंसिटिविटी सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्किल है या एक क्वालिटी है टीचर की, क्योंकि इससे हम एक बच्चे को सपोर्ट दे सकते हैं. बच्चे को लगता है कि हम उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं. एंड जब बच्चे को ये लगता है कि टीचर्स उनकी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करिए, सो दे कैन एक्सप्लोर ऑन दोज वीकनेसेस. ऑल्सो जब हम सेंसिटिविटी एंड केयर कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे को लगता है कि टीचर्स आर अ सपोर्ट. टीचर्स को लगता है कि वो हमें गाइड कर पा रही हैं. हमें ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो और सीख सकते हैं, क्योंकि टीचर्स हमेशा उनके लिए सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं, केयर शो कर रहे हैं. ऑल्सो जब हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो हमें काफ़ी जगहों पर सेंसिटिविटी इश्यूज शो करने होते हैं, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए. जैसे कि जेंडर इश्यूज होते हैं, कल्चर इश्यूज होते हैं, डिजिबिलिटी इश्यूज होते हैं, तो हम अगर अवेयर होंगे उन एटीट्यूड से तो फिर हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एंड उन्हीं फिर हम एक्शंस में शो भी कर पाएंगे. एटीट्यूड चेंज और एटीट्यूड फॉर्मेशन दोनों में ही ये मददगार होगा. बिल्कुल. हाँ जी. बिल्कुल. इसी के साथ साथ सलोनी मैडम ने जो कहा है बहुत अच्छी बात, उन्होंने एक चीज बोली है. इसके साथ साथ ही जुड़ा हुआ है बहुत क्लोजली है विश्वास, यानी कि ट्रस्टवर्दीनेस. जब हम एक इंडिविजुअल, एक नॉट ओनली जस्ट एज अ टीचर बट आल्सो एज एन इंडिविजुअल, एक इंसान, एक स्टूडेंट, एक दूसरे के प्रति विश्वास जताते हैं, सिंसियरिटी दिखाते हैं, तो इट फर्दर स्ट्रेंथन्स आवर दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग सेंसिटिव एंड केयरिंग. कई बार ट्रस्टवर्दीनेस में, सिंसियरिटी में, कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो सिंसियर हूँ उसके प्रति, यू नो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ उसके भलाई में, लेकिन पता नहीं वो मुझे क्यों नहीं समझ पाते हैं. तो बहुत अहम होती है नॉट ओनली फीलिंग सिंसियर, नॉट ओनली फीलिंग दैट येस आई ट्रस्ट दिस पर्सन, आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्सन, बट ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, उस चीज को दर्शाना, उस चीज को सामने वाले तक कन्वे कर पाना कि मेरे मन में आपके लिए ये भावना है. राइट. तो ये हम कई बार मिसमैच हो जाती है कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न, इसलिए मैं तुमको डांट देती हूँ कि तुमने ये क्यों नहीं किया. तो इस क्वालिटी को कन्वे करने के लिए बहुत अहम चीज होती है कि शोइंग रेस्पेक्ट, बीइंग ओपन. मैं सीधी सीधी उसको उसके जो बताना चाहते हैं साफ और खुले शब्दों में कहें, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी तरह उसको दिल को चोट ना पहुंचे, उसको डिसरेस्पेक्टिंग फीलिंग ना हो, उसको ये फीलिंग ना हो कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुझे आइसोलेट या मुझे कॉर्नर किया जा रहा है. इट्स बेसिकली कन्वेइंग कि हम उसको देना चाहते हैं द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन,
कंसर्निंग अबाउट यू फॉर योर वेलबींग, आपकी भलाई के लिए, और ये बात सच्ची बात है क्योंकि आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर वेलबींग. तो यदि हम डॉक्टर चक्रवर्ती ये बोलें कि द क्रक्स ऑफ दीज क्वालिटीज एंड स्किल वुड प्रोबेबली बी एन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फर्स्ट योर ओन सेल्फ एंड देन टुवर्ड्स अदर्स, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड नेसेसरली इज इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ एंड फीलिंग गुड अबाउट अदर्स. बिकॉज जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि सामने वाला भी अच्छा है और मैं भी अच्छी हूँ, तो आप उसी को इलैबोरेट करेंगे, उसी पे बिल्डअप करेंगे. तो सामने वाला अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसमें अच्छा ही देखूंगा. अच्छा ही देखूंगा. जब मैं अपने बारे में अच्छा सोचता हूँ तो मैं अपने लिए अच्छा ही सोचूंगा, और जब मैं वो पॉजिटिविटी बिल्डअप करूंगा तो वो मेरे रिलेशनशिप्स में आएगी. क्या कैसा कहना ठीक हो जाएगा? और इसी में ही इंक्लूडेड है कि ये भी सोच रखना कि हर वक्त हर एक कोई हमेशा अच्छे में ही नहीं होता है. तो हमेशा ध्यान मुझे ये रखना है कि अगर इस वक्त मुझे कोई नकारात्मक फीलिंग दे रहा है तो कई बार ऐसा हुआ है कि उसने ही मुझे सकारात्मक फीलिंग भी दिया, उसमें भी अच्छाई है. तो ये दोनों चीजें साथ में लेके चलना है. हमेशा जीत नहीं होगी, कभी कभी हमें फेलियर्स का सामना भी करना है, और फेलियर्स को सामना करते हुए मुझे आगे बढ़ के निकलना है. एम्पथी का कैसे हम समझें? मतलब ये तो मानी बात है कि एम्पथी होनी चाहिए, पर सलोनी जी अगर हम एम्पथी की बात करें तो इस परिप्रेक्ष्य में एम्पथी को किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बोला ट्रस्टवर्दीनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स, अगर हमें इन स्किल्स को हम अगर एक साथ रखें तो तभी हम एम्पैथी कर पाएंगे, हम एक एम्पैथी का स्किल डेवलप कर पाएंगे. बट एम्पैथी होता क्या है? जब हम अपने आप को एक दूसरे की सिचुएशन में रख के सोच सकते हैं, जब हम अपने आप को दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में रख सकते हैं. ना ही हम उनकी सिचुएशन तो समझ ही रहे हैं, बट हम उनके फीलिंग्स पर भी फोकस कर रहे हैं. एम्पैथी जब हमें लगती है तो ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि हमें टीचर समझ रही है, टीचर्स हमारी परेशानी को समझ सकती है. तो अगर इस बात को हम इस आपके कहने के हिसाब से समझें और जो डॉक्टर चक्रवर्ती ने हमें समझाया उस परिप्रेक्ष्य में अगर चीजों को देखा जाए, तो हम अगर इस मॉड्यूल का क्रक्स निकाले तो हम ये कह सकते हैं कि एक टीचर जो कि बच्चे के साथ 6 से 7 घंटे कम से कम लगाती है, वो इस स्थिति में होती है कि वो बच्चे को बहुत करीब से समझती है, जानती है, और इस पावरफुल पोजिशन में होने के कारण वो अपने स्वभाव अपने बिहेवियर से बच्चों में ये सारी क्वालिटीज डेवलप कर सकती है. और क्योंकि उनका इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ भी होता है, इसलिए उनके पास वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बच्चे के बैकग्राउंड की भी होती है, जिससे उन्हीं के थ्रू हम ये चीजों को नर्चर कर सकते हैं. इस बारे में आप लोग कुछ अगर ऐड करना चाहें. देखिए, जैसे आपने बात करी कि बच्चे आसपास का देखकर ही लर्न करते हैं, तो अगर हमारी टीचर्स हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही हैं जिसमें वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, हमें रिस्पेक्टफुल फील कराती हैं, हमारी सिचुएशंस को समझ पा रही हैं, तो बच्चे वही चीजें सीखकर अपने इंटरेक्शंस में शो करते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा इन्वायरमेंट और पॉजिटिव और हेल्दी हो जाता है, जिससे लर्निंग इजी हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है. जी जी जी. आई विल जस्ट ऐड कि इस मॉड्यूल में ये सारी क्वालिटीज जो है तरह तरह के एक्टिविटीज को सजेस्ट करते हुए, एक्टिविटीज जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं, कुछ रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं, बोथ टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, इस एक्टिविटीज के थ्रू हम स्टूडेंट्स में और अपने अंदर में भी इन क्वालिटीज को और ज्यादा निखार के ले आ सकते हैं. और मैंने देखा है इसके मॉड्यूल के एंड में जो लिखा गया है उसमें पॉस्को और चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी बात है. तो जब हमारे टीचर्स इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो आई एम श्योर इन चीजों के बारे में एक सवाल आ सकता है सुष्मिता जी, कि ये चीजें पर्सनल सोशल से कैसे रिलेटेड. तो यदि दो लाइन में आप बता पाए इससे, इस ये दो पहलू हमने ऐड इसलिए इस मॉड्यूल में किया है कि जब एक हम स्वस्थ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं स्कूल में, उसमें बहुत जरूरी होता है नॉट ओनली लर्निंग दीज स्किल्स बट आल्सो बीइंग अवेयर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशंस, जहाँ पे जरूरी होता है बच्चों को पता रहना कि अगर हमें किसी तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, चाहे वो यू नो फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस और सेक्सुअल अब्यूज की तरफ अगर आती हैं, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन. तो इसमें हमने इसीलिए इन्फॉर्मेशन के तौर पे फॉर टीचर्स चाइल्ड लाइन और पॉस्को के बारे में कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, विच विल फर्दर हेल्प यू टू यू नो एम्पावर योर सेल्फ, और अगर आप चाहें तो उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं. तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि यदि हम पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ को नर्चर करते हैं तो हम एक इन्वायरमेंट स्कूल का ऐसा बना देते हैं जहाँ कि बच्चा
खुश होगा, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और जहाँ आने का उसका मन करेगा। आप लोग से निवेदन है कि इस मॉड्यूल को और पढ़ें और इसमें जानकारियाँ हैं जो आपके लिए बहुत मददगार हो सकती हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।